अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अली रज़ा व्लॉग्स। दोस्तों अभी मैं ना जो रोटी खुश्क होती है ना उसको दो तीन दिन खुश्क होने के बाद ना सुखाने के बाद वो उनको पीस के अब डाली है, ये वो खा रहे हैं। दोस्तों यार आज बैड न्यूज़ ये हो गई है, मैं सुबह रोटी को लेट डाल दिया यार। ये जो है था ना दूसरा वाला लक्का जो थोड़ा स्मार्ट था, पता नहीं यार इसको क्या हुआ है यार, समझ से बाहर है, पता नहीं क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हिलजुल भी नहीं रहा, गर्दन वगैरह मोड़ लेता अपनी, ये देखें यार पता नहीं यार इसको क्या हो गया। सुबह रोटी के भोरे इनको डाले नहीं है, अभी आया हूँ ऑफिस से, आज लेट हो गया था, सुबह जल्दी चला गया था। तो बस यार दोस्तों अभी यार इसका कोई ट्रीटमेंट वगैरह भी नहीं कर सकता, पता नहीं यार क्या हो गया इसको। बाकी दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, जो भाई चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर लास्ट में करिए। धूप देखें कितनी तेज़ है दोस्तों, आप खड़ा नहीं हुआ जा रहा धूप में, अभी भी धूप तेज़ लग रही है, हालांकि असर के बाद का टाइम है ये। बाकी अभी इनको दाना डालूंगा कोई आधे पौने घंटे बाद ना, पानी वगैरह रख दूंगा। यार इसका लगे का बड़ा अफसोस हो रहा है यार, पता नहीं इसको क्या हुआ है। अभी इसके लिए ना बिल्कुल यार ये बेजान हो गया यार। यार इसका बड़ा अफसोस हुआ, पता नहीं हुआ कैसे ये, क्योंकि ये था भी वीक सा ना, ये दो बच्चे पाले थे ना, ये वाला ये थोड़ा उसे हेल्दी एक्टिव था, वो थोड़ा वीक सा था, इस वजह से पता नहीं क्या हुआ उसको। इसी तरह वो जिस तरह वो पहले जो रेड टेल लेके आया था लक्का, उसका भी यही इशू बना था, और वो भी जो है ना कुछ दिनों के बाद ऐसे ही मर गया था। लेकिन ये है कि पता नहीं यार इसको क्या हुआ, ये भी लगता है कमज़ोरी में आया और ये भी ना सरवाइव नहीं कर सका। चलो खैर अल्लाह की मर्ज़ी है, क्योंकि आपके सामने ही इनकी केयर भी अच्छे से होती है, सब कुछ अच्छे से होता है। बाकी पता नहीं यार क्या हुआ है इसको। बाकी मैं शाम को दोस्तों थोड़ी देर बाद आऊँगा, दाना वगैरह डालूँगा इनको फिर ना। तो ये है कि फिर लक्के को अब किसी ना मट्टी वाली जगह पे उसको दफनाने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। बाकी मिलते हैं फिर दोस्तों बाद में, दाना वगैरह जब करूँगा तब की वीडियो अपलोड करूँगा आपके साथ, इसके साथ शेयर करके ना वो अलग लोग दोस्तों दाना ले अभी रोटी वगैरह तुम लोग, तो ये सारा दाना खा दिया ये। दोस्तों लक्का तो मैंने अब उसको जो है ना दफना दिया, और यार वो बस आखिरी सांसों में था जब उसको देखा था ना, मैं ऊपर आया था छत पे तो मुंह खोल कर सांस वगैरह ले रहा था, लेकिन यार काफ़ी दुख हुआ है यार। अब ये वाला जो है ना इसको मैंने फोर से लगा दिया है, ताकि जो है ना ये ना हो, ये भी उदासी करके ना इसका भी काम तमाम हो जाए। लेकिन ये कि हेल्दी एक्टिव है, इसको कोई इशू नहीं है, ये शुरू से माशाल्लाह से जो है ना हर चीज़ खुद ही खा पी रहा है। उसको पानी वो कम पीता था शुरू से ही, और उसको मैं खुद पानी वगैरह पिलाया करता था इंजेक्शन के साथ। लेकिन खैर परिंदा आने जाने में चीज़ है, जब तक लिखी है उसने तब तक रहना है,
बाकी हमारी कोशिश तो पूरी होती है कि हर लिहाज का ख्याल रखा जाए, ट्रीटमेंट वगैरह पूरा किया जाए, किस चीज़ की इनको कमी ना आए। बाकी कोई बात नहीं दोस्तों, ये चलता ही रहता है। ये देखिए आप, इसके लिए मैं काले चने इसको स्पेशल खिला रहा हूँ, चलो दो, ताकि जो है ना ये हेल्दी एक्टिव हो, इसमें कोई इशू ना हो। बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, इसी तरह आपको व्लॉग की अपडेट मिलती रहेगी डेली की। देखिए शाम हो गई है दोस्तों, बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह। बाकी तरफ भी दोस्तों एक मैंने कबूतर देखा है, वो बच्चा भी ना उसकी भी नज़र उसी कबूतर के ऊपर है, ये छत पे चढ़ा हुआ है, वो पता नहीं कबूतर उड़ रहा है कोई। जालदार सा कोई कबूतर है, लेकिन वो बैठने वाली चीज़ नहीं है, है भी ऊंचाई पे है और इधर कहीं वो स्टे भी नहीं कर रहा, जिसकी वजह से उसने उसके आने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। ओके दोस्तों, ये थी आज की अपडेट, बस को लगेगा बहुत दुख हुआ यार। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।